गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और मैं अभी आ गई हूँ काम से घर पे। और घर देखो मेरा कितना गंदा पड़ा है, मतलब कि देखो सुबह भी करके जाओ, शाम को भी करो, आके भी करो, कोई सारा बात, काम बात। ये देखो मेरे बर्तन कितने गंदे पड़े हैं। हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत होती है तो हमें पानी इस तरह स्टोर करके बर्तन बत मक्खियाँ मर रही है। देखो बाकी मेरा अभी तक खाना बना है डेली रूटीन का, अभी खाना मेरा रेडी है, सुबह से लेकर दोपहर तक का बन गया है। और देखो मेरा बिस्तर भी सारा ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेरी स्टडी टेबल भी इतनी गंदी पड़ी है, सब कुछ ही अभी तक गंदा गंदा पड़ा हुआ है दोस्तों। और मेरे को बस अभी 2 घंटे और लगेंगे घर सेट करने में, मैं अपना घर सेट कर दूंगी फिर आपको बताओ। वो रखा है ये देखो दोस्तों, ये छूट मिला है हमने ऐसे मांग मांग कर लिया, कितने सारे सूट इकट्ठे कर लिए हैं। ये देखो इसने क्या देखा। तो दोस्तों मैं कहीं पे गई थी, उन्होंने मुझे लिफाफा पकड़ा दिया, इसमें सूट है, ठीक है, सूट मतलब मेरे लिए गिफ्ट ही है, इसमें इसमें है ही क्या, फ्री में जो मिलता है वो रख लिया, तो रख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है वैसे भी, अभी कोई इतनी हाई फाई हमारी है नहीं, तो हम अभी तो एक ये मेरा कंगा नहीं है पापा, ये भी कंगा ऐसे गिफ्ट है, पता नहीं कहीं टोटी तक नहीं। मेरा कंघा अगर आप देखोगे ना, मैं ये वाला यूज करती हूँ, ठीक है, लीवा कंपनी, ये 150-200 रुपए की कंघी है, मेरी चीजों की बात मत करना। ये कंघा देखो इसका, और ये जो टॉप है ना, सारी मॉल से लेके आई हूँ मैं, ऐसे ऐसे नहीं, मेरे को कपड़ा से लाता, ठीक है, एक कपड़ा मेरे को दिया है, पर कोई बात नहीं मैं पहनूंगी। बाकी ये कपड़ा बढ़िया, ये मेरा है डेली रूटीन, यानी जहाँ पे हम अपना लिखते हैं रोज का डेली रूटीन। ये पंखा है, एक पंखा ऊपर भी लगा हुआ है दोस्तों, ये देखो पानी पी, क्या कर रहे हैं हम, ठंडा पानी इसमें स्टोर करके रखते हैं, हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हम अभी बर्फ ले आते हैं कहीं से, और फिर उस बर्फ को फिर तुम मानोगे नहीं इस तरह ठंडा करके, ठीक है फिर दोस्तों। बाकी अभी थोड़ी देर में फिर से मिलती हूँ आपसे, आगे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ठीक है। ऐसे करके पानी पिया करो, बहुत स्वाद आता है। तो गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, सुरकेश जी ये चावल रात वाले हैं, और ये पराठा मैंने सुबह बनाया था, रात बनाई थी मैंने आलू गोभी की सब्जी, और वो सब्जी बहुत सारी बची हुई थी, तो मैंने उसी को मैश करके पराठा बनाया था सुबह नाश्ते में। देखो तो ये मैं सामान और चीजों की बचत एक बीबी कर सकती है। सो यार फिर दोपहर को हमारे यहाँ पड़ने लगी बारिश, और बारिश पड़ने के बाद जो माहौल बना ना, आप सच बता रहा हूँ कि देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये देखो बारिश हो रही है और सामने हमारे गली के सारे बच्चे नाच रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं। और अभी टाइम जो हो रहा था, मैंने सोचा था हमें कहीं जाना है पर वो कैंसिल हो गया, 3:30 बजे की बात बताओ कौन सा बारिश होता है। और हमारे सब्सक्राइबर अभी हो रहे हैं 4,046, और इतने में सुरकेश का डांस स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है लेट्स गो, यू कैन डू इट, स्टार्ट करो डांस, लूंगी डांस, लूंगी डांस। ये देखो प्रेजेंट फटेला डांस स्टार्ट, ठंडी ठंडी हवा, देख रहे हो, ये देखो कितना खड़ा, मैं बारिश में जा रही थी। नहीं 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 सुरकेश सामने, नहीं नहीं अरे नहीं, अरे नहीं यार आप बीमार पड़ी हो। हाँ, मैं बीमार पड़ रही हूँ बारिश से। नहीं हट। सो गाइस फाइनली सुरकेश ने लुंगी डांस करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद अब बना दिया शाम का हमारे लिए, चाय के साथ पोहा खाते हैं हम, पर इस बार पोहा नहीं बना क्योंकि आज बुधवार था, तो जो बचा हुआ था जितना भी पॉपकॉर्न जैसा भुनने वाला सब सुरकेश ने अभी भून दिया, और मैं सो के अभी उठा था क्योंकि बारिश हो रहा था तो मेरा को नींद लग गया था। और फिर देखो फिर उठते ही सुरकेश ने चाय बना दिया, और इतने में फिर हम आ गए अपने लाइब्रेरी आज मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा क्योंकि आज हम इसे क्विट कर रहे हैं, और क्विट करते करते फिर बारिश बंद होने के बाद फिर मैं गया अपने भैया के शॉप के ऊपर, भैया की शॉप की जो ऊपर जाने के बाद
मेरे को काफ़ी सारा काम था, मेरे दो तीन फ़ोन भी ख़राब थे, तो वहाँ पे बैठ के मैंने अपना फ़ोन रिपेयर किया। अभी हम आ रखे हैं भैया की दुकान पे और ये कर रहे हैं फ़ोन का काम। और ये देखो दोस्तों झूमर, झूमर कितने अच्छे अच्छे आपको आपको कौन सा झूमर पसंद आता है आप कमेंट में बताना। यहाँ पे यहाँ पे बिजली का काम भी होता है, फ़ोन फ़ोन तो होते ही है सारे रिपेयर्स फ़ोन, ठीक है, और फ़ोन के जितने भी फ़ोन से कनेक्टेड होते हैं जैसे कि ईयरबड्स हो गए, ठीक है, ग्लास, ये सब सब कुछ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रिसिटी का भी मिलता है जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, झूमर है, हर तरह की लाइटें हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप भी यहाँ पे ले सकते हैं, जीरकपुर है, जीरकपुर एरिया मेट्रो के पास है ये दुकान। सो गाइस फाइनली आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं एंड, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, अपना प्यार भी देना। बाय बाय।